यहाँ आरजेडी के लहर एकदम तूफान। क्या बात कर रहे हैं, तूफान बचा कहाँ है, रोंद दिया गया। एकदम तूफान चल रहा है, कहीं कोई है ये नहीं। काउंटडाउन पीएम साहब का शुरू हो गया और नीतीश कुमार जी का शुरू हो गया। काउंटडाउन पीएम साहब का शुरू हो गया और मुख्यमंत्री जी का। हाँ, पूरा देश जान गया है सुरेंद्र यादव 2 लाख के ऊपर वोट से जीतने जा रहे हैं। अभी तो लग रहा है राजद चलेगी। यानी कि सुरेंद्र यादव लोग याद दिला रहे हैं, जंगल ना सुरेंद्र कभी जंगल राज नहीं रहा। सुरेंद्र प्रसाद यादव 1 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीतेगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की चुनावी यात्रा इस वक्त जहानाबाद में मौजूद है और आपको बता दें कि साल 2019 में बिहार की 40 सीटों में से 39 पर एनडीए की जीत हुई थी, यानी कि सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन उस वक्त भी 1 सीट ऐसी थी जहां पर जीत का अंतर काफी कम था। जी हां, हम बात कर रहे हैं जहानाबाद की। देखिए, ये है साल 2024 और काफी कुछ बदल चुका है। कहा जा रहा है कि सीट पर इस बार खेल हो सकता है, तो ऐसे में लाइव सिटीज की चुनावी यात्रा भी, लाइव सिटीज की टीम भी जहानाबाद में मौजूद है। तो आइए फिर यहाँ की जनता से जानते हैं कि क्या वाकई में इस बार जहानाबाद में खेला हो जाएगा। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए फिर इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश यादव हुआ। रमेश यादव जी हुआ, जहानाबाद के ही हैं? जी, जहानाबाद के हैं। एकदम सच्चाई से बताइए, किसकी बयार बह रही है जहानाबाद? एकदम आरजेडी की लहर चल रहा है, तूफान। क्या बात कर रहे हैं, आरजेडी का लहर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश यादव हुआ। रमेश जी, एकदम सच्चाई से वो बात बताइए, किसकी हवा चल रही है जहानाबाद में? यहाँ आरजेडी की लहर एकदम तूफान। क्या बात कर रहे हैं, तूफान बचा कहाँ है, रोंद दिया गया। एकदम तूफान चल रहा है, कहीं कोई है ये नहीं है। रोंद दिया गया है तूफान जी? नहीं, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ केवल चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी की सुनने में आ रहा है, पूरा आंधी भी चल रही है, तूफान। वो तो तीसरा पोजीशन में आया है, वो है लड़ाई में है ये नहीं है। तो दूसरे पोजीशन में कौन है? दूसरा पोजीशन में अरुण कुमार रहेंगे। अच्छा, अरुण कुमार रहेंगे, भविष्यवाणी भी करते हैं। एकदम सही चीज बोल रहे हैं, हम लोग घूमते हैं, गांव में रहते हैं। घूमते हैं गांव में? जी जी। क्या नाम है? रमेश यादव। क्या लग रहा है यादव जी, क्या होने जा रहा है? पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन का पूरे बिहार में लहर है। लहर है बिल्कुल, चूंकि अच्छा कल सुने थे ना प्रधानमंत्री आए थे, क्या बोल कर गए? प्रधानमंत्री जी का जो है कि भाषण को सुन करके लोग व्यंग कर रहे हैं। क्या बोल के क्या गए हैं, सुने कि नहीं सुने? वो जो भी बोले, क्या बोले? वो बोले हैं जो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो जो बोले हैं। कोई बता सकता है यहाँ पर कि कल प्रधानमंत्री क्या बोल कर गए थे? इलेक्शन के बाद जो है जेल तैयारी के मामला में। क्या बोले, पहले ये बताइए कि क्या बोले? तेजस्वी जी के बारे में धमकाए हैं। तेजस्वी जी के बारे में धमकाए हैं? क्या धमकाए? धमकाए कि जो है चुनाव के बाद जेल की तैयारी इनका होगा, ऐसा। बाप रे बाप, चुनाव के बाद आपके नेता जेल जाने वाले? जेल से डरने वाले हैं? जेल जाने वाले हैं तेजस्वी यादव? जेल से डरने वाले वो नहीं है। ये सबको जेल से डरने वाले नहीं है। नाम क्या है आपका? शशि रंजन कुमार। शशि जी को बात बताइए, सुना ना कि क्या बोले? हाँ, प्रधानमंत्री का बड़ा बोलापन पूरा हिंदुस्तान जानता है। काउंटडाउन शुरू हो गया है, तेजस्वी यादव गिनना शुरू कर दे, अब जेल जाने की तैयारी करें। काउंटडाउन पीएम साहब का शुरू हो गया और नीतीश कुमार जी का शुरू हो गया। काउंटडाउन पीएम साहब का शुरू हो गया और मुख्यमंत्री जी का शुरू? हाँ, पूरा देश जान गया है कि जुमलाबाज प्रधानमंत्री न 2 करोड़ रोजगार दे पाया, न काला धन लाया, न देश की रक्षा कर पाया, न रोजगार दे पाया और विकास के रास्ते पे अवरोध बनकर 10 साल जहानाबाद में 10 साल 15 साल से एनडीए के उम्मीदवार जीते हुए हैं। 10 साल से केंद्र में सत्ता है, प्रश्न होगा शासन सत्ता और जनप्रतिनिधि से, वो जनप्रतिनिधि जवाब क्या होगा इस बार? इस सवार राष्ट्रीय जनता दल यानी कि सुरेंद्र यादव, सुरेंद्र यादव 2 लाख के ऊपर वोट से जीतने जा रहे हैं। 2 लाख के ऊपर मतों से जीतेंगे। नाम क्या? उदय कुमार यादव। उदय जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि मुद्दा क्या है इस बार आप लोगों का? मुद्दा हम लोगों का है पूरे बिहार के, पूरे देश के बेरोजगारी मुद्दा है। अच्छा। पढ़ाई मुद्दा है, दवाई मुद्दा है, इसी में गरीब गुरबा का भलाई है। अच्छा। और उस मुद्दा पर देश के प्रधानमंत्री बात नहीं करते हैं,
बात तो कर ही रहे हैं। मुद्दा पर विकास के मुद्दा पर बात नहीं करते हैं। क्या बात बोलते हैं, विकास भी विरासत भी लगता है, सुनते नहीं है आप? ठीक सुनते हैं, वो तो पुलिस प्रशासन वाला बात बोल रहा है, थाना प्रभारी बोलते कि फलना पे एफआईआर है तो जेल जाएगा। अब मोदी जी कैसे जानते हैं कि फलना जेल जाएगा? ये तो अब आप लोग मीडिया कर्मी हैं तो आप लोग पूछिएगा उनसे। मतलब कि आप लोग बमक गए हैं क्या? बमक गए हैं क्या प्रधानमंत्री को सुनकर? प्रधानमंत्री जी तो हेलीकॉप्टर से, बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर से चलते थे, बुलेट प्रूफ कार से चलते थे। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी उनको रोड पर ला दिए, फुटपाथ पर, यादव रोड पर उतरवा दिए कि रोड पर आइए, गांव के गली में चलना होगा, गांव के गली में गरीबी है उसको देखना होगा। इस दहा से घूरे से कुछ होने वाला कुछ नहीं है, वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा फत्तो खान नाम है। फत्तो खान जी, क्या लग रहा है इस बार मुसलमानों ने क्या खाना है? ठान लिया है, हवा बहा हुआ है। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी वो तो निकाले जा रहे हैं, कोई गांव में उनको हेलने नहीं दे रहा है। क्या बात कर रहे हैं? बात सही कर, सारे मुसलमान तो इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है ना, इंडिया के साथ। एकदम, इस धरती पर दो आदमी झूठा लुच्चा है, एक नरेंद्र मोदी, एक नीतीश कुमार। अच्छा, भूल गए, मतलब कि मुख्यमंत्री साहब ने मुसलमानों के लिए क्या कुछ किया? खाली कूद रहे, एकदम साफ बजा रहे हैं, मुसलमान उससे बिछुप से बिछुप। लालू जी तो ठग रहे हैं मुसलमान को, प्रूफ कर दीजिए। हम अभी पॉम्फलेट रखे हुए हैं, हम प्रूफ करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, मालूम, अच्छा एक बात बताइए, कमीशन अल्पसंख्यक का आयोग, अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, अभी की बात हम करते हैं, मालूम है ना कि कितने उम्मीदवार मुसलमान हुए हैं इस बार? आरजेडी ने कितने मुसलमान उम्मीदवारों पर, एक कांग्रेस, एक आरजेडी ने कितने पर भरोसा जताया? एक पर जताया, दो पर जताया, दो पर हाँ। तो मतलब आप लोग को तो ठग दिया? नहीं ठग नहीं, मुसलमानों को तो ठग दिया। ये बीजेपी का नतीजा है। बीजेपी कहाँ से आ गई? हम बता रहे हैं, कॉमनल फेज को मिटाया गया है, कटौती कर दी, कटौती हक में कटौती, कटौती नहीं की है, कॉमनल फेज को। क्या नाम है आपका? मुन्ना अंसारी। देख रहे थे, खूब दहाड़ रहे थे मुन्ना जी आप पीछे में। हाँ तो दहाड़ेंगे, दहाड़िएगा तो ये बताइए, दहाड़िएगा तो ठीक है, लेकिन अबरी किसके साथ है मुसलमान? मुसलमान तो इंडिया गठबंधन के साथ है। क्या बात करें, मुख्यमंत्री ने कितना कुछ किया है सब भुला दीजिएगा। भुला नहीं देगा, वो एक जगह उनका कोई स्टैंड ही नहीं, उनका कोई भरोसा है? वो तो तुरंत पलट जाते हैं, कभी इधर कभी। सुना नहीं मुख्यमंत्री जी ने खुले मन से क्या कहा था कि जब हम आए हैं तो दंगा फसाद रुकवा दिया है? नहीं, दंगा फसाद उनसे नहीं रुका है। अच्छा। ये तो लालू जी गांव में जो समन्वय पैदा किए हैं, आपसी सौहार्द पैदा किए हैं, गरीब गुरबा और शोषित पीड़ित जो लोग हैं पर सबको एक किया है, उसी का कटौती कर दी आप लोगों के हक में। कोई कटौती नहीं किया गया, सिर्फ दो उम्मीदवारों को। दो कहा, चार उम्मीदवार हमारे हैं राजद में, सिर्फ दो। राजद में दो, इंडिया गठबंधन के कारण। छोड़िए आप, वो छोड़िए, राजद में दो यानी कि कटौती हो गई मुसलमानों के हक। कटौती हो, कोई बात नहीं, फिर आगे मिलेगा कटौती। मतलब कि धोखा खा के भी मुसलमान इधर ही रहेंगे? नहीं, धोखा कहाँ है इस बात में, धोखा कहाँ है? अच्छा ये अच्छा, क्या लग रहा है जहानाबाद में? सुरेंद्र यादव, सुरेंद्र यादव को जहानाबाद में तो बच्चा बच्चा पहचानता है, बच्चा बच्चा पहचानता है, और लोग से हम जानेंगे कि वो पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इफ्तखार है। क्या लग रहा है इफ्तखार जी अबरी? अभी तो लग रहा है राजद चलेगी, यानी कि सुरेंद्र यादव। लोग याद दिला रहे हैं जंगल राज याद है ना? ना, सुरेंद्र यादव कभी जंगल राज नहीं रहा है। लोग याद दिला रहे हैं कि वो दौर याद है ना? नहीं, कभी नहीं रहा है, कभी नहीं रहा, हमेशा रहा। में तो आ रहे हैं अरुण कुमार भी हैं, आशुतोष कुमार भी हैं, दीपक शर्मा भी हैं, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। सुरेंद्र यादव के आगे कोई नहीं है। सुरेंद्र यादव के आगे कोई नहीं, क्या नाम है? मनोज यादव। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कोई बात है जो छुपा रहे हैं? ये जो जनता की गुलबंदी है ना, किसके साथ? चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, महागठबंधन के साथ। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात करें, झूठो झूठो नहीं बोलना है। बात हम नहीं कर रहे हैं, आप जनमानस, जनमानस में गए भी होंगे, और आप बड़ा हम तो देख रहे हैं चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी की आंधी है। कहाँ है उनका कहीं अता पता नहीं है, गांव में लोग मतलब प्रतिकार ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा। गालियों से उनका स्वागत कर रहे हैं, ऐसा हाल है, ऐसा हाल है। क्या नाम है?
महेश प्रसाद यादव। क्या लग रहा है यादव जी, आप तो एकदम दिल का बात बताइए। बिल्कुल आरजेडी यहाँ से जीत रही है। बात कर रहे हैं, अरुण कुमार खेल बिगाड़ रहे हैं, आशुतोष कुमार खेल बिगाड़ रहे हैं, दीपक शर्मा है, चंदेश्वर प्रसाद चंद्र, अरुण कुमार चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी एम्बुलेंस घोटाला में जो कह 1600 करोड़ रुपया का गांव में चल नहीं रहा है, कोई घुसने नहीं दे रहा है गांव में, उनको गांव में घुसने नहीं दे रहा है, ये हाल है। हाँ ये हाल है चंद्रवंशी जी का, ये हाल है। हाँ करो, काम किए हैं कि नहीं आपके सांसद जी? अरे कुछ नहीं काम किए हैं, घोटाले किए हैं खाली। 5 साल में तो बहुत काम किए ना, घोटाले मिला घोटाला किए, कोई आप बता दीजिए क्या क्या काम किए हैं सांसद जी? सांसद जी तो ऐसा काम किए हैं कि इनका जमानत तक नहीं बचेगा। अच्छा, हमको लगा कि आप कहिएगा कि ऐसा काम किए कि गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे। इनका जमानत तक नहीं बचेगा। सुलेंद्र प्रसाद यादव 1 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीतेगा। 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे सुरेंद्र प्रसाद यादव। तो सुना आपने कि जहानाबाद की जनता ने किसके जीत पर मुहर लगा दी है, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।